फ्रेंड्स, जब आप सो के उठते हो ना तो ऐसा होता है सकल। मैं सिर्फ बकवास नहीं कर रही, मैं काम भी कर रही हूँ, बहुत सारा काम करना है। आज तो मम्मी आने ही वाली है तो बहुत सारा काम करना है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि देखो मेरा सकल कैसा लग रहा है सो के उठने के बाद। दूसरे पे मत जाना, उनके पास आईफोन है बाबू, आप अभी आईफोन नहीं खरीद सकते। और उनके पास मेकअप है, मेकअप करते उठते हैं, लिपस्टिक लगा हुआ, फाउंडेशन लगा हुआ। भाई ऐसा कौन सा गुड मॉर्निंग होता है आपका? हमारा गुड मॉर्निंग होता है अभी मोहन है धोए हैं, वैसा वाला गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, इसके बाद हम लोग पोछा लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो झाड़ू ही लगता है ना घर में, वही तो मेन है। तो झाड़ू, उसके बाद पोछा। तो इस रूम में पहले मैं लगा देती हूँ, पूरा घर में भी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो चलो अभी फटाफट से नहा लेते हैं क्योंकि पूजा है घर पे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है क्योंकि आज है जितिया, और आई होप कि जितिया सभी की मम्मियों ने किया होगा क्योंकि वो बच्चों के लिए किया जाता है। तो सभी मम्मी अपना बच्चा के लिए तो करेंगी ही ऑफ कोर्स। जिन्होंने जितिया किया है उनको मेरी तरफ से हैप्पी जितिया। तो यहाँ पे देखो मम्मी पूजा कर रही है, आज तो मम्मी ने बद्दी प्रसाद बहुत सारा चढ़ाया है, तो आज मम्मी पूरा भावनाओं में बही हुई है। तो देखो अब है जितिया का मेन एलिमेंट का काम। जैसे कि देखो, जिसके जिसके घर में जितिया होता है उनको जरूर पता होगा, और जो स्पेशली बिहारी है उनको तो जरूर ही पता होता है कि जितिया हो या तीज, पुरुकिया, ठेकुआ और निमकी या फिर कुछ नमकीन, पापड़ी, ये सब बनना तो एकदम इम्पोर्टेंट है। तो मम्मी यहाँ पे अपना काम पे लग चुकी है, अभी मम्मी बनाएगी पुरुकिया, ठेकुआ, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। अभी देखो ये नारियल और मावा का बुरादा रखा हुआ है ये गैलन के बगल में, और मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है। तो जल्दी जल्दी मम्मी गूंद रही है, अभी देखो इससे क्या बनेगा। आई थिंक पहले पुरुकिया बनने वाला है ना मम्मी। तो देखो मम्मी से अकेले नहीं हो पा रहा था क्योंकि बेलने का काम भी करना पड़ेगा। तो मम्मी देखो यहाँ पे सान रही है, और मैंने कैमरा माजी को पकड़ा दिया और मैं आ गई यहाँ पे मम्मी को बेल के दे रही हूँ पुरुकिया, क्योंकि मैं जीनियस हूँ यार, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, रो आई एम अ जीनियस। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है अपना पुरुकिया, भर रही है बहुत ही डिजाइन से। जो पुरुकिया का जो डिजाइन होता है ना साइड वाला, वो थोड़ा पिट्ठा से मिलता जुलता होता है, लेकिन जो पुरुकिया में डिजाइन बनता है वो थोड़ा महीन महीन बनता है, जिससे ना और खूबसूरत लगता है। और मैदा तो व्हाइट व्हाइट होता ही है, तो और खूबसूरत लगता है। और मम्मी बहुत अच्छे से गढ़ रही है उसको पानी लगा के, ताकि ना तेल में जाने के बाद वो फड़फड़ा ना जाए, यू नो, फड़फड़ा गया तो बाहर निकल जाएगा और फिर कोई कर्म का नहीं रहेगा आपका पुरुकिया और आपका जिंदगी। अब ना ये क्या बोलते हैं, बहुत सारा पुरुकिया डाल दो कढ़ाई में। देखो मम्मी ने डाल दिया, अब ये यहाँ पर एकदम बढ़िया से बन बन के निकल गया है। एक घानी निकाला है यहाँ पे मम्मी ने, देखो सब कुछ रेडी है। यहाँ है नमकीन मतलब पापड़ी, और यहाँ है पुरुकिया 2 प्लेट, और एक बार निकलेगा तो बहुत सारा हो गया है। और ठेकुआ है हमारा, 2 किलो का ठेकुआ है, वो भी बहुत सारा है, क्योंकि जब मम्मी हम लोग सब मिल के डिसाइड किए थे कि बनाएंगे तो पूरा से बनाएंगे, काहे कि फिर छठ में भी खाएंगे और दिवाली में भी खाएंगे और जितिया में भी खाएंगे और दशहरे में भी खाएंगे, तो इसलिए बहुत सारा बनाया है हमने, 2-2 किलो का, और निमकी है 3 किलो का। तो आप मेरे घर में ना ये सब चीज़ टिकता नहीं है, तो इसीलिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा बना है। तो आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो कम टिकेगा, बड़े हैं तो बड़े हैं तो मतलब सही तो बोल रही थी मैं, बच्चे हैं तो कम टिकेगा और अगर बड़े हैं तो ज़्यादा टिकेगा, क्या यार मैं ही कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। आज है नहाए खाए, और आज को बन रहा है पूसी के राव का दाल, और उसके साथ बनेगा चावल, और एक साग बनती है मुझे नाम नहीं पता, और एक कंदा का सब्जी। तो यहाँ पे देखो मम्मी गाय का भी खाना निकाल रही है सबसे पहले, क्योंकि गाय का खाना बहुत ज़रूरी होता है निकालना। तो यहाँ पे दाल, चावल, साग और कंदा का सब्जी मम्मी निकाल रही है, और सब में ना ये पूसी के राव डाला हुआ है, क्योंकि ना पूसी के राव बहुत इंपॉर्टेंट होता है जितिया में, हम लोग तो अपना बिहारी स्टाइल से करते हैं तो इसीलिए। और देखो यहाँ पे दाल वाल सब बना लिया मैंने कितना सारा। अभी मम्मी कर रही है चूल्हा पूजन, क्योंकि चूल्हा पूजन मतलब पारण कर रही है ना, पारण तो करना पड़ेगा क्योंकि हर फेस्टिवल में नहाए खाए और पारण तो होता ही है, तो इसलिए मम्मी पूजा कर रही है। अपना भी मम्मी ने खाना ले लिया है और यहाँ पर गाय का भी ले लिया है। सो ही गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और आज क्या क्या करने वाले हैं बताते हैं। सबसे पहले बना रही हूँ मैं यहाँ पर निमकी, क्योंकि ठेकुआ और पुरुकिया बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि निमकी नहीं बन पाया था, और निमकी इज़ द मेन एलिमेंट। तो हम बना रहे हैं आज निमकी अकेले, मतलब मम्मी ने आटा गूंद के दिया, उसको बेलना और छानना मेरा काम था। उसके बाद हम लोग खाने गए थे बाहर डोसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था,
फिर हम लोग घर वापस आ गए एंड मम्मी ने देखो यहाँ पर ना डब्बे में देखो, मैंने मीठू को भी नहा के खाना दे दिया है। दाना देती हूँ तो नहीं खाता है, लेकिन बिस्किट देखो कितना अच्छा से खा रहा है। इसको दाना अब नहीं ढुकता है, दाल चावल नहीं ढुकता है, लेकिन पूरा बिस्किट चाउमीन यही सब खाना रहता है। देखो तो अभी पूरा प्रसाद मम्मी उठा चुकी है, मतलब कल जितिया के लिए चढ़ाया था तो जितिया के अगले दिन ही खाया जाता है ना प्रसाद, पारण के दिन। तो देखो मम्मी यहाँ पे ना खीरा वीरा सारा फल काट के पापा को दे रही है, और पापा कैसे बैठे हैं, उनको बहुत पसंद है ये सब। और देखो मेरे भैया ने ना 3 प्लांट्स और मंगा लिया है, तो उसको हमने अच्छे से रखा है। अभी इसको प्रॉपर यहाँ पर देखो हम लोग सजा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा ना ज़्यादा भर रहा है। गैलरी को हम लोग ज़्यादा भरना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी गैलरी में लगाने से ना बहुत सुंदर लगता है, हरा भरा लगता है। और यहाँ पे मेरा तोता भी बैठता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हरा 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 हरा। तो तोता भी हरा, पेड़ भी हरा, और बालकनी इतनी सुंदर। तो मेरा तोता ना बहुत ज़्यादा गुस्सा में लग रहा है लगता है। क्या हुआ मिठू, क्या हुआ, क्या हुआ, तुझे किसी ने खाना नहीं दिया क्या? ओ माई गॉड, ही इज़ वेरी एंग्री। तो देखो राशन में भी सामान आया है थोड़ा सा, तो इसको डब्बा में भर देते हैं और साफ सफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा रूम को साफ किया है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब बेड ठीक कर लिया, थोड़ा टेबल ठीक कर लिया। और ये हमको पता है कि 2 दिन बाद फिर ख़राब होगा। फोटो भी पोंछ लिया दादाजी का, और मैंने अपना मेडल को भी साफ किया। मेडल ना बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी देखती हूँ। तो और उसके बाद देखो यहाँ पर रात को ना मैं बना रही हूँ अभी छिलका। छिलका इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमको रात को खाना है, भूख लगा है तो बनाना पड़ेगा। तो देखो छिलका बना रही हूँ, ये है ना सूजी का छिलका है, बहुत मुश्किल से बनाया, थोड़ा थोड़ा ना टूटा है, लेकिन उतना भी नहीं टूटा, बच गया, मतलब बन गया है अच्छा खासा खाने लायक। और अभी मैं अपना ले ली हूँ, भैया का भी बना के मैं रख दी हूँ, और भैया जब खाने के लिए मांगेगा तो मैं उसको दूंगी, तब तक के लिए मैं खा लेती हूँ। सो गाइस, मुझे पता है कि मानसी घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इडली बनाना चाहती थी, तो मैंने इडली बना ही लिया। आखिरकार मैंने उसको फोन पे बताया तो इतना ज्यादा गर्म हो गई, बोली मेरे बिना काहे इडली बनाया, लेकिन ना मेरे को बनाना था क्योंकि मेरे को खाना है, इडली मेरा फेवरेट है। और अभी कुछ लहसुन प्याज खाने का नहीं है, तो जो इडली मैं बनाती हूँ ना वो सूजी का बनाती हूँ, चावल वाला नहीं बनाती। जो चावल और उड़द दाल का बनता है वो वाला नहीं बनाती, वो वाला थोड़ा मुश्किल होता है, सूजी वाला ना बहुत आसान होता है, तो इसलिए मैं वो बना रही हूँ। और हाँ, मेरे इस फेस पे मत जाना, मैंने पूरा बाल में ऑयल लगाया हुआ है, और ना मैं घर पे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं सिंपल ही रहती हूँ। तो बस आप लोगों को ऐसे ही मैं दिखाऊंगी अपना चेहरा, क्योंकि मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो चलो आपको इडली बनाया है जो मैंने, वो आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। ये देखो बहुत सारा बनाया मैंने, बहुत सारा, बहुत ही सॉफ्ट बना है, जस्ट सूजी का है, देखो कितना मोटा मतलब फूल गया ये। इसे मैंने बहुत सारा चीज़ दिया है, इसका रेसिपी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैंने शॉर्ट्स में वीडियो में डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, बट आपको मिल जाएगा। सी सी, दिस इज सो सॉफ्ट, एंड ये चटनी है। सो ये मैंने बना के रख लिया है, हम लोगों ने खा लिया है, लेकिन फिर भी ये बच गया, तो इसको हम लोग कल खाएंगे फ्राई करके। और फिर से बर्तन खाना खाने के बाद। ओके सो फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लॉग है वो बहुत ही लेट जा रहा है, मुझे पता है, क्योंकि ना मुझे पास टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे, मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, मैं डेली ब्लॉग भी करने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से स्टडी और घर के काम भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी न्यू शुरू किया है, बट आई थिंक हो जाएगा। तो ये वीडियो डालने में मुझे आई थिंक 10 दिन लग गया है, मतलब 10 दिन के बाद ये वाला ब्लॉग जा रहा है। जो पहले मैंने 5-6 ब्लॉग डाउनलोड कर दिए थे, मतलब अपलोड कर दिए थे, तो वो ना मैं 2-2, 3-3 दिन पे अपलोड कर देती थी, लेकिन ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा काम था तो इसलिए। तो आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानना, मैं जल्दी से जल्दी ब्लॉग डालने का कोशिश करूंगी, और बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि अभी मैं जाने वाली हूँ दशहरे में पटना, और बहुत ही रोमांचक वीडियो बनने वाला है। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर से कर देना।